आपका कैरियर एक्शन प्लान, आपका गाइड और आपका रोड मैप है दोस्तों, क्योंकि ये आपको पॉइंट ए यानी फाइंडिंग एन ऑक्यूपेशन से पॉइंट बी से कनेक्ट करता है। पॉइंट बी से मेरा मतलब है एडवांसिंग इन योर कैरियर। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने चार स्टेप्स की बात की थी कि हाउ यू कैन चूज द राइट कैरियर। उसमें जो सबसे पहला स्टेप था सेल्फ असेसमेंट। जब आप अपना कैरियर एक्शन प्लान बनाएंगे तो उसमें सेल्फ असेसमेंट मरहले में आप 10 टू 15 ऑक्यूपेशंस की लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद दूसरा मरहला था कैरियर एक्सप्लोरेशन। आप इस स्टेप में इसको नैरो डाउन करेंगे, यानी कि जो आपने 10 टू 15 की लिस्ट बनाई थी आप इसमें नैरो डाउन करके 3 टू 5 कर देंगे। फिर तीसरा मरहला जो था मैचिंग का। तो मैचिंग के मरहले में आप फाइनल डिसीजन लेंगे कि कौन सा ऑक्यूपेशन आपके लिए बेस्ट फिट है, और उसके लिए आप चार चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि जॉब की ड्यूटीज़ क्या हैं, जॉब का आउटलुक क्या है, अर्निंग क्या है और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। आप फाइनल डिसीजन प्रॉपर तरीके से उसी वक्त ले पाएंगे जब आपका करियर गोल सेट हो। अगर आपने अपना करियर गोल ऑलरेडी सेट कर लिया है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपको अपना करियर गोल सेट करने के लिए हेल्पफुल होगा। गौर से सुनिए। नंबर वन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हैं और अपने करियर में कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्योंकि क्लियरिटी जितनी ही ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपका करियर प्लान इफेक्टिव होगा। नंबर टू, राइट योर गोल्स ऑन पेपर। इसके लिए आप थ्री गोल्स मेथड यूज कर सकते हैं, और वो ये है कि लेस देन 30 सेकेंड्स में जो आपके माइंड के स्क्रीन पे पॉपअप हो आप उसको लिख लीजिए। दोस्तों सिर्फ दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं जो अपना गोल्स पेपर पे लिखते हैं, और यही वो लोग हैं जो बहुत ही कामयाब लोग हैं, जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं। जब आप गोल लिखेंगे तो उसमें आप अपना शॉर्ट गोल यानी कि 1 ईयर गोल लिख सकते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कि 3 to 5 years गोल। नंबर थ्री, सेट अ डेडलाइन, क्योंकि जो डेडलाइन है ना ये आपके लिए फोर्सिंग सिस्टम का काम करता है दोस्तों, और जब ज़रूरत इसमें पड़े तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं ईजली। एंड रिमेंबर दैट देर आर नो अनरीजनेबल गोल्स, देर आर ओनली अनरीजनेबल डेडलाइंस। नंबर फोर, आप हर उस चीज़ की लिस्ट बनाएंगे जो आपके ख्याल से आपको करने की ज़रूरत है अपना गोल अचीव करने के लिए। एंड नंबर फाइव, आइडेंटिफाई द ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स से मेरा मतलब है कि किस तरह के ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत है, किस तरह के फर्दर एजुकेशन की आपको ज़रूरत है, किस तरह के स्किल्स लर्न करने की ज़रूरत है और किस तरह के हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। आप वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके ख्याल से एक रुकावट हैं आप उसकी लिस्ट बनाएं। फिर पॉइंट नंबर सिक्स, प्रायोरिटाइज। अब आप ये तय करेंगे कि ये जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें से कौन सा काम पहले करने की आपको ज़रूरत है। एंड नंबर सेवन, एडजस्ट, कि जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आपने मसलन लिखा कि मुझे ये स्किल पहले लर्न करने की ज़रूरत है, लेकिन बाद में आपने डिस्कवर किया कि अभी इसको मैं होल्ड पे कर देता हूँ, दूसरा स्किल अगर सीख लेता हूँ तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर होगा, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों कि आप अपना 80% रिजल्ट वो अपने 20% एक्टिविटीज से अचीव करते हैं, यानी 20-80% रूल। तो ये जो आप अपना कैरियर एक्शन प्लान राइट करने में और अपना गोल सेट करने में जो अपना वक्त और एनर्जी लगाएंगे, ट्रस्ट में ये आपका बहुत ही ज़्यादा वक्त बचाएगा, आपको कन्फ्यूज़न से दूर रखेगा और आपके एनर्जी सेव करेगा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना डिटेल्ड कैरियर एक्शन प्लान अपने हाथों से क्रिएट करें, उसको लिखें और उसके मुताबिक अमल करना शुरू करें। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।